हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ब्लॉग है, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। मॉर्निंग टाइम है और ये देखिए बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पे सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया है। पहले भी दो तीन बार बारिश हुई है तो इसकी वजह से काफ़ी हरियाली हो गई है। तो देखिए, ये हमारे घर के नीचे से ही गली में छोटा सा गाय का बेबी घूम रहा है, तो वो भी मैंने ले लिया है। देखिए बादल छाए हैं एकदम, बहुत ही अच्छा सा मौसम हो गया है। हम लोग अपनी छत से बालकनी में खड़े होके देख रहे हैं, छत से नहीं। और तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल हमारे सामने वाला घर है और देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है फ्रेंड्स। और देखिए मोर भी नाच रहा है। और अब ये बारिश के बाद में देखिए छत पे बहुत कचरा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने छत भी धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा और मेरा ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, मैं छत की सफाई कर रही हूँ, बच्चे खेलते हैं तो कचरा हो जाता है। और देखिए कितनी हरियाली है, ये हमारे पीछे वाली गली का सीन है। और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, जितने भी ट्री हैं एकदम हरे हरे हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग तैयार कर लेते हैं। और ये प्लॉट है पीछे, बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे ही, जो इसकी खिड़की, किचन की खिड़की इसमें खुलती है, तो वो खाली पड़ा है, तो एकदम हरा हरा हो गया है, घास वगैरह है यहाँ पे। और वो पार्क है, उसमें मंदिर भी है, हमारे पास में ही पार्क है गली में, वहाँ पहले बच्चे खेलते वगैरह थे सारे, लेकिन अब तो सब बंद है, तो सब बच्चे घर में ही खेलते हैं। तो ये हमारे आसपास का नज़ारा है और ये अड़ोसी पड़ोसी लोगों के कुछ घर हैं जो कैमरे में शूट हो गए हैं। और देखिए ये जो घर है, गाड़ी खड़ी है, मानसी की टीचर का घर है ये। बारिश की वजह से देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया है उसके, और थोड़ी सी जानवी भी मेरी हेल्प कर रही है, देखिए कोशिश कर रही है वो भी साफ़ करने की। ये यहाँ पे गेट के पास में चूल्हा रखा हुआ है, कई बार चूल्हे पे हमारे यहाँ खाना बनाती हैं, तो फिर देखिए लकड़ियाँ वगैरह भी रखी हुई है, तो इस वजह से कचरा हो जाता है, तो वाइपर से कर लिया झाड़ू के बाद में वाइपर से। और ये देखिए कुछ अरबी के हम लोगों ने यहाँ पे वो जड़ें लगाई थी, तो अरबी के ये लीव्स निकल आई हैं। इनकी पकौड़ियाँ आपको पता है ना, अरबी के पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, मैंने वीडियो भी डाल रखा है। तो ये बस वही है, गमले में है इसलिए ये ज़्यादा फैल नहीं पा रहे हैं, पर बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। तो और कुछ पत्ते वगैरह ख़राब भी हो गए हैं, पहले बारिश हुई तो इन पर ध्यान नहीं दिया, तो ख़राब पत्ते हैं तो उन्हें निकाल देंगे। और देखिए अगर ये कहीं और लगे होते, ज़मीन में लगे होते तो ज़्यादा फैल जाते, अब तक पत्ते बहुत बड़े हो गए होते, काफ़ी दिन से लगे हैं, लेकिन ये इतने ही हैं, थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये। और ये यहाँ पे लगा रखा है एलोवेरा, और इसमें बच्चों ने लाके ये घास लगा दी थी, ये जो इसमें पिंक फ्लावर होते हैं, ये मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसको 10 बजिया बोलते हैं, पिंक फ्लावर होते हैं, 10 बजे ही पिंक फ्लावर खिल जाते हैं, वो भी एलोवेरा के साथ लगा हुआ है। सगा इस देखिए, और नीचे लगा हुआ है हमारे अमरूद का पेड़, अच्छे से नहीं आ पा रहा है, इसे जूम किया लेकिन नहीं आ रहा है। और ये है तुलसी प्लांट है, देखिए इसमें भी अरबी के एक दो लगा दिए थे, तो इसमें भी फैल चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ, ग्रीन ग्रीन एकदम। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग, बारिश के टाइम का मौसम कैसा लग रहा है। देखिए चारों तरफ हरियाली है फ्रेंड्स, और बीच बीच में मैं अपना ये भी कर रही हूँ, क्योंकि छत बहुत बड़ी है तो टाइम लग जाता है करने में, कभी झाड़ू से कभी वाइपर से मुझे साफ़ करना पड़ रहा है बार बार। और वो जान भी खड़ी है वहाँ पे, सभी मौसम के मज़े ले रहे हैं। तो देखिए अब ये यहाँ पे साइकिलिंग हो रही है, एक एक करके सभी लोग साइकिल चलाएंगे यहाँ पे। तो अभी फर्स्ट है जानवी का नंबर, वंश वहाँ पे खड़ा है अपना नंबर का वेट कर रहा है, मानसी भी है यहीं पे, और मैं मेरा काम कर रही हूँ।
बस अब लास्ट हो चुका है, काफ़ी पूरी छत साफ़ हो चुकी है। अब थोड़ा यहाँ पे मिट्टी है, इधर पानी नहीं है तो वो हमें डालना पड़ेगा पानी यहाँ पे, और फिर करना पड़ेगा साफ़। बहुत ही ज़्यादा गंदगी भी हो रही है, तो देखिए ये थोड़ा सा पानी गिराया है मानसी ने, और फिर अब इसे झाड़ू से मैं साफ़ करूँगी, छत एकदम क्लीन हो जाएगी, वरना घूमते हैं तो फिर पैरों में आता रहता है कचरा, थोड़ा बहुत भी होता है। तो आज छत बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पे पानी आता है जो कि हम स्टॉक करके रखते हैं, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा काम है छत वत की धुलाई वगैरह ये डेली नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज बारिश आई है तो सभी लोगों ने अपने छत की धुलाई करी है, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। तो अब ये मानसी चला रही है साइकिल, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। अब हो गया है, चलिए अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो ये देखिए मैं आज बनाने जा रही हूँ काचरे की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। काचरे और चावले की फली, ये जो फली है ये चावले की फली है, काचरे के साथ मिक्स करके बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। पहले भी मैं इसका वीडियो डाल चुकी हूँ, आपने जैसा कि देखा होगा मेरी वीडियो में, उसमें काचरे के साथ ग्वार की फली थी, चावले की फली नहीं थी, और इस बार चावले की फली है। चावले की फली से ज़्यादा टेस्टी लगता है। लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब चीज़ें पड़ेंगी। इसके बीजों को पहले छील लेंगे, जो ज़्यादा हार्ड है उसको छील के बीज निकाल लेंगे, और जो सॉफ्ट है उनको ऐसे ही काट के रख देंगे। और काचरे को भी हमें छीलना नहीं है इसी तरह से, क्योंकि इसके वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से लेयर इसकी सॉफ्ट होती है, तो इसी तरह से कट करना है। इसके बीज को भी हमें नहीं निकालना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इसे बनाएंगे, कट करते हैं इसे, तो थोड़ा सा हमें टेस्ट कर लेना चाहिए, या किसी से टेस्ट करवा लो, क्योंकि ये कोई कोई कड़वा भी निकल जाता है। तो टेस्ट करके मैंने इसे कट किया है। टमाटर को भी कर लेते हैं, लहसुन को मैंने कूट के रख लिया है, और टमाटर को भी काट लेते हैं, हरी मिर्च को काट लेते हैं, सभी चीज़ों को मैंने काट लिया है एक एक करके। और अब देखिए तैयार है यहाँ पे सब्जियाँ कट के हमारी। तो देखिए इस तरह से लहसुन को कूटा था, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, और ये सभी सब्जियाँ तैयार है। यहाँ पे मैंने पैन को रखा है, पैन में डाला है सरसों ऑयल, सरसों ऑयल में सब्जियाँ काफ़ी टेस्टी बनती हैं, तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बड़े भर के मैंने यहाँ पे डाला है ऑयल, सरसों ऑयल, और लहसुन, जीरा, हरी मिर्च डाल दिया है। और अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, तो हल्का सा बस भून जाएगा, उसके बाद में हमें इसी के साथ डाल देना है टमाटर। तो देखिए हमने डाल दिया है यहाँ पे टमाटर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ ग्रीन, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। तो सब्ज़ी हमारी बनके तैयार होगी, सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों के यहाँ मिलता हो तो। देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है और भून चुका है सभी चीज़ें, टमाटर वगैरह गल गए हैं थोड़े से। अब हमें डालने हैं मसाले, मसाले में मैंने डाली है 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक, और यहाँ पे मिर्च हम डालेंगे, मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर ज़रा सा डालना है हमें 1/2 टेबल स्पून। सभी चीज़ों को देखिए हमने इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे, ये मसाले हमारे अच्छे से भून रहे हैं। तो देखिए मसाला भी हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, इसमें हम डाल देंगे चावले और काचरे को। देखिए चावले को डाल दिया है, अब मैं डाल दूँ काचरा, काचरा भी मैंने डाल दिया है। अब इन्हें कलछी की हेल्प से इन्हें उलट पलट कर लेंगे और भूनेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है, आप चाहे पूरी से खाएं या चपाती से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है, इसके साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसे ढक देंगे, थोड़ा सा पानी भी डाला था हमने, और सब्ज़ियाँ पक गई हैं, देखिए थोड़ा सा कसर रह गई है, चला के देखा तो अभी कसर है, थोड़ा टाइट है, तो फिर से ढक देंगे और 10 मिनट बाद खोलेंगे। तो 10 मिनट हो चुका है, अब देखते हैं सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। मैंने देखिए नीचे उतार लिया है सब्जी को, और एकदम अच्छी सी तैयार है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है मुझे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड